हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं अंजू विकास बजाज चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर मैं आपके सामने आई हूँ एक और वीडियो लेकर, जो कि है एक डीटेन फेस पैक। बहुत ही अच्छा डीटेन फेस पैक है, जिसे हर टाइप की स्किन पर लगाया जा सकता है। मैंने अभी अपनी स्किन पर लगाया था, अपने फेस पर लगाया था, तो आप मेरे फेस पर रिजल्ट देख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं लगाया है, सिर्फ वही फेस पैक लगाकर उसे वॉश करके और लिप शेड लगाया है और कुछ नहीं लगाया है। वो तो आप लोग वीडियो में आगे देख ही लेंगे इसका रिजल्ट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, वीडियो में आगे जाने से पहले, मैं आप लोगों से कहूंगी कि बाहर ना जरा सा काम चल रहा है, तो प्लीज उस वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें और वीडियो को बार बार अच्छे से देखें, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स कराती हूँ, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि चैनल को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। बहुत सारे सब्सक्राइबर होने चाहिए चैनल पर, बहुत सारे वीडियोस पर व्यू आने चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सा फेस पैक है। तो ये देखिए, ये है वो फेस पैक रूप मंत्रा। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा रूप मंत्रा का। ये D10 मुल्तानी D10 फेस पैक है, बहुत अच्छा है, हर टाइप की स्किन के लिए है। और ये ना कई सारी चीजों से मिलाकर बनाया गया है, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेंशन किया हुआ है ऊपर, इसमें मुल्तानी मिट्टी है, नारियल तेल है, खीरा है, घृत कुमारी है, अंकुरित गेहूं है, नींबू है, तुलसी है, नीम है, इन सब प्रॉपर्टीज से मिलाकर ये बनाया गया है। और इसकी क्वांटिटी 60 ग्राम है और इस पे MRP 87 है। ये आपको पर्पल की ऐप से मिल जाएगा। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहां से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा D10 फेस पैक है, आप लोग यूज करके जरूर देखिएगा। मैं ऐसे ही अपने चैनल पर कोई वीडियो नहीं डालती हूँ, मैं पहले उस चीज को यूज करती हूँ, फिर आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। तो चलिए मैं आपको इसका लगाने का पूरा प्रोसेस बताती हूँ कि कैसे लगाना है, कैसे रिमूव करना है, कितनी देर रखना है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप लोग देख सकते हैं, इस टाइम मेरे फेस पर कोई ग्लो नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, ओनली फॉर अपना फेस वॉश किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बालों को अच्छे से टाई कर लेना है। मैंने हेयर बैंड लगा लिया है, जिससे कि बाल माथे पर फोरहेड पर आकर हमें डिस्टर्ब ना करें। तो ये मेरे पास है एक गीला टिश्यू, इससे मैं अपनी स्किन को पहले क्लीन करूँगी। स्किन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सब उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्लींजिंग मिल्क। आप कोई भी क्लींजिंग मिल्क ले सकते हैं, मेरे पास ये सिबली का मिल्क एंड हनी का है क्लींजिंग मिल्क। इससे मैं अपनी स्किन को क्लीन करूँगी। स्किन को क्लीन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारा बेस क्लीन होगा, तो हम जो भी प्रोडक्ट उसके बाद अप्लाई करेंगे वो अच्छे से काम करेगा। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट अपने हाथ में लेकर अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है और उसे मैं अच्छे से मसाज करूँगी। मसाज करने के बाद आप बीच में थोड़ा सा पानी ले सकते हैं, अगर आपको टाइट फील हो रहा हो स्किन पर, तो अच्छे से मसाज कीजिए, हर पार्ट पर कीजिए, फेस के फोरहेड पर, नोज़ पर, चिन पर, लिप्स पर, सब जगह पर, आइज़ पर भी कर सकते हैं आप। तो अच्छे से क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी उसके बाद आप इसे वॉश करके फिर अपना जो फेस पैक हम अप्लाई करेंगे उसे कीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए, मैंने 1 मिनट तक मसाज की अपने फेस पर और अब मैं इसे टिश्यू की हेल्प से रिमूव कर दूंगी। आप फेशियल टिश्यू ले सकते हैं, आप चाहें तो स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई हैंकी वगैरह सॉफ्ट वाला यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर फेशियल टिश्यू ही यूज़ करती हूँ, जिसे यूज़ एंड थ्रो करते हैं हम, इन्हें हम रख नहीं सकते हैं, इसे यूज़ किया और थ्रो कर दिया। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, फेशियल टिश्यू आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने अपनी पूरी स्किन को अच्छे से क्लियर कर लिया है। क्लीन करने के बाद ही अब हम यूज़ करेंगे अपना फेस पैक। तो ये देखिए, मेरे हाथ में ही है रूप मंत्रा का D10 फेस पैक, मुल्तानी मिट्टी से बना हुआ है और इसमें से ना बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब हम इसे निकालते हैं ना,
तो आपको जितने अपने एरिया पर यूज़ करना है आप उतना ही निकालिएगा। मैं ओनली फॉर अपने फेस पर ही लगाकर दिखा रही हूँ और लगाने का तरीका आप देखिएगा। तो इसे लगाना आपको अपवर्ड मोशन पे लगाना है, यानी कि ऊपर की तरफ लगाना है, नीचे की तरफ नहीं लगाना है। और एक बात और मैं बता दूं जो कि बहुत ज़रूरी बात है, इसे लगाने के बाद आप लोगों को बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी किसी से भी बात नहीं करनी है, क्योंकि ये ऐसा फेस पैक है जो ड्राई होता है, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और अगर आप इसे लगा कर बातें करेंगे ना तो आपको ये फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देगा। वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये ड्राई होने वाला फेस पैक है, तो जब ये धीरे धीरे लगाने के बाद ड्राई होगा ना तो आपकी स्किन जो होगी वो टाइट हो जाएगी। तो अगर आप उसे लगाकर बातें करते रहेंगे तो आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं बोल रही थी कि ये आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे सकता है। तो इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा, इसे लगाने के बाद आपको बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये देखिए मैंने लगा लिया है पूरे फेस पर अच्छे तरीके से, और मैं आप लोगों को बता रही थी कि अब आपको चुप रहना है। तो 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ेंगे। ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट ड्राई हो चुका है, मैं आपको उतार कर दिखा रही थी। तो अब इसे उतारेंगे कैसे, हम इसे हमने डायरेक्ट वॉश नहीं करना है, हम इसे क्या करेंगे, पहले अपने हाथों को गीला कर लेंगे, या फिर ये स्प्रे बॉटल होती है ना उससे अपने फेस पर वाटर स्प्रे करेंगे और अच्छे से मसाज करेंगे 1 मिनट के लिए, और फिर इसे रिमूव करेंगे। अगर आप डायरेक्ट उतार देंगे तो मैं जैसे पहले बता रही थी कि ये सूख जाता है, और डायरेक्ट उतारेंगे तो आप फोर्स करेंगे अपनी स्किन को, स्किन मतलब उतारने के लिए, तो उससे भी क्या होगा, आपकी स्किन पर प्रॉब्लम हो सकती है। और गीला करने से जब हम इसे निकालेंगे ना तो ये बहुत ईजिली निकल आएगा। तो इसलिए वैसे भी जब भी कोई प्रोडक्ट हम लगाते हैं तो उसे गीला करके ही निकालना चाहिए, मसाज करके, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये देखिए मैं मसाज करके अब इसे रिमूव कर रही हूँ। अच्छे से मसाज कीजिए जैसे पहले मैंने बताया था, हर पार्ट पर, और फिर इसे देखिए अब ये आसानी से निकल रहा है ना। अगर आप सूखा ही रगड़ते तो आपको निकालने में भी प्रॉब्लम होती और स्किन पर भी रैशेस वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और एक चीज़ और बताऊं, जब आप इस फेस पैक को यूज़ करोगे ना तो हल्की सी ये आपको ना फेस पर जलन सी करेगा, सिर्फ 10 सेकेंड के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ ग्लो करती है ना वो थोड़ा सा जलन ज़रूर करती है, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं, मैं आपको इसलिए पहले ही बता रही हूँ। तो मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ अपना फेस। ये देखिए रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है, बहुत अच्छा अमेजिंग रिज़ल्ट आया था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।